वैलेंटाइन डे पर अनगिनत प्रेम कहानियां शुरू होती हैं और वक्त के साथ परवान चढ़ती हैं, लेकिन जिसकी वजह से मोहब्बत वाले इस हफ्ते में युवाओं का दिल धड़कता है, उसके बारे में क्या आप जानते हैं? क्या उसके गांव के बारे में आप जानते हैं? क्या उसके त्याग और बलिदान के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सेंट वैलेंटाइन और उनके गांव के बारे में हर साल 12 से 14 फरवरी के बीच सैकड़ों कपल्स के प्रेम उस गांव में प्रेम का गवाह बनते हैं। यह गांव लॉयर वैली में स्थित है, जिसका नाम है सेंट वैलेंटाइन। यदि आपको लगता है कि पेरिस दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है, तो एक बार लॉयर वैली के सेंट वैलेंटाइन गांव जरूर घूम कर आइए। यहां आप हवाओं में प्यार जरूर महसूस कर पाएंगे। खैर, अब आते हैं सेंट वैलेंटाइन के इतिहास पर। दरअसल सम्राट क्लॉडियस का मानना था कि अविवाहित पुरुष विवाहित पुरुषों की तुलना में ज्यादा अच्छा सैनिक बन सकते हैं। यही वजह है कि उसने अपने राज्य में सैनिकों व अधिकारियों के शादी करने पर पाबंदी लगा दी। उसी दौरान संत वैलेंटाइन एक चर्च में पादरी थे और उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया और इसका विरोध किया। संत वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेश के खिलाफ कई सैनिकों और अधिकारियों के गुप्त विवाह भी करवाए। इस बात के बारे में जब क्लॉडियस को पता चला तो उन्होंने संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया। यह फांसी 14 फरवरी के दिन ही दी गई थी। तभी से यह दिन वैलेंटाइन डे के रूप में प्रचलित हो गया। बताया जाता है कि वैलेंटाइन ने अपनी मौत के समय जेल की अंधी बेटी जैकोबस को अपनी आंखें दान कर दी थी। साथ ही उन्होंने जैकोबस को एक चिट्ठी भी दी जिसके आखिर में लिखा था, योर वैलेंटाइन। यही से लोगों ने अपने प्रिय लोगों के प्रति वैलेंटाइन कहने की परंपरा की शुरुआत की। लवर्स विलेज के नाम से प्रसिद्ध इस गांव का सबसे अहम हिस्सा है लवर्स गार्डन। इस बगीचे में लगे बरगद के पेड़ पर सैकड़ों दिल की आकृतियां हवा में लहराती नजर आती हैं। यह दिल की आकृतियां कपल्स को प्यार का एहसास कराती हैं। कहते हैं कि ज्यादातर कपल्स इस जगह को प्रपोज करने के लिए चुनते हैं। इसके अलावा इस गार्डन के पास में ही लोकल मार्केट है। इस मार्केट में कपल्स खाने का मजा लेते हैं और इस दिन को यादगार बनाते हैं। लव गार्डन में लगा हर पेड़ वहां प्रेम की कहानी बयां करता है। यह वही गार्डन है जहां कपल्स पेड़ की डालियों पर लव लॉक लगाकर चाबी पानी में फेंक देते हैं, ताकि इसके खोलने वाली चाबी कभी न मिले और उनका प्यार हमेशा के लिए सलामत रहे। हाल ही में इस परंपरा पर रोक लगाई गई है। अब जोड़े लव लॉक की जगह लव नोट्स यानी प्यार की पर्ची लगाते हैं। इतना ही नहीं, बगीचे में एक कस्मे वादों का एक पेड़ भी है जिसे ट्री ऑफ वाउस कहते हैं। इस पर सैकड़ों लोग प्यार में हुई गलतियों को लिखकर टांगते हैं। इसे लिखने के लिए दिल के आकार का कागज बनाया जाता है। इसी बगीचे में ही एक ऐसा पेड़ भी है जिसकी कपल्स कसम खाते हैं। यह कसम है पार्टनर के साथ जिंदगी भर ईमानदारी से रिश्ता निभाने की। इस पेड़ का नाम है ट्री ऑफ इटर्नल हार्ट्स। इतना ही नहीं, अपने प्यार को अमर बनाने के लिए कई कपल्स इस पेड़ के पास शादी की सभी रस्में अदा करते हैं। रूठने के बाद भी कई बार वे पार्टनर को मनाने के लिए यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आकर पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। कपल्स अपने प्यार को जताने के लिए इस गांव में पेड़ भी लगाते हैं। यहां पहुंचने वाले सैलानी भी इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं। गार्डन में पास में एक पोस्ट ऑफिस है जो प्यार की चिट्ठियों का ठिकाना है। इसमें हर कोई लव लेटर डाल सकता है और अपने पार्टनर तक पहुंचा सकता है। प्रेम संदेश को मंजिल तक पहुँचाने के लिए पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, जहाँ से आप स्टाम्प ले सकते हैं। यही है पूरी कहानी वैलेंटाइन की।